आपके सामने ये जो मैंने अभी कपड़े लिए हैं फिर से इसी मंथ शॉपिंग करी है, तो दो तो कुर्तीज़ हैं और एक वो है प्लाजो और एक वन पीस भी है ये, ठीक है, और एक ये एप्रन है। तो मैं आप सबके सामने दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है इस मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ये आपको दिखा रही हूँ, एप्रन है ये। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो नज़दीक से भी, ठीक है। जो इसका प्रिंट है चेक में है, हाँ, और आगे की तरफ ये पॉकेट है, तो ये मैंने लिया है, पहली बार लिया है मैंने ये। मेन मेरे को इसका कलर जो है वो अच्छा लगा, और जो इसमें ये फ्लावर बना हुआ है ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। तो आप देख सकते हो ये ऐसे है, ठीक है। आगे से ऐसा, और यहाँ पे देखना आप मोबाइल भी रख सकते हो, तो आप गैस कर सकते हो ये कितने का है। ये ऑनली 150 रुपीज़ का है, और ये कपड़ा भी इतना बेकार नहीं है, बट मैंने इसका कलर और ये जो डिज़ाइन है ये देख के लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वन पीस लिया है, क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी 5 मंथ चल रही है, तो मुझे लूज़ कपड़े आते हैं, पहले वाले फिटिंग के कपड़े नहीं आते, और उनको लूज़ करके पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर से जो भी मेरा बेबी गर्ल या बॉय होगा तो उसके हिसाब से मैं कपड़े फिर दोबारा पहन सकती हूँ। तो मैं जो पहले के फिटिंग कपड़े उसको मैं लूज़ नहीं कर रही, नए ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये वन पीस लिया है। बाकी तो मैंने आपके साथ शेयर कराई था, ठीक है। ये फुल स्लिप की है, अम्ब्रेला टाइप की, और ये कलर इसमें आप देख सकते हो, कलर ये ऐसी है जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है, राउंड शेप है, ठीक है। इसको पहनने के बाद लुक जो है ऐसा आएगा। आप इसके नीचे लेगिंग्स भी पहन सकते हो, ठीक है, या ना भी पहनो तब भी चलेगा, और बीच में ये डोरी भी है। आप इसको अगर टाइट करना चाहते हो तो टाइट करो, लूज़ करना चाहते हो लूज, में टाइट नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरा दिखता है पेट हल्का सा, तो इसलिए मैं इसको टाइट नहीं करती, लूज ही रखती हूँ, ताकि मेरे को और मेरी बेबी को कम्फर्टेबल महसूस हो, और लूज़ कपड़े सही रहते इस टाइम पर। तो मैंने ये लिया है, ठीक है। मैंने ऐसे दो और लिए हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे, जिसने मेरी वीडियो देखी नहीं है वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब तक। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था। वैसे तो मैंने सोचा तो हॉस्पिटल जाते वक्त पहनूँगी, बट अब घर में पहनने के लिए एक ये लूज टी शर्ट है, और ऐसी मैंने दो और ले रखे इसलिए, और मैक्सी नाइट तो अभी पहन नहीं सकते दिन के टाइम पर, इसलिए तो ये आपको बाहर जाते वक्त भी कंफर्टेबल है। इसका कलर बहुत अच्छा, आप देख सकते हो थोड़ा क्रीमी कलर है, और मैरून भी मिक्स है, ब्लैक भी मिक्स है, लाइन बना हुआ है, ठीक है। और ये मुझे पड़ा था 1000 का, सिर्फ ये ऊपर का। उसके बाद इसी दुकान से मैंने ये दो कुर्तीज़ लिए हैं, एक मैंने रेड कलर का पहन लिया है, दूसरा मैंने पहना नहीं है, वो मैं शायद हॉस्पिटल जाते वक्त पहनूँ, जब मेरी अभी डेट है हॉस्पिटल जाने की चेकअप के लिए, तो मैंने ये लिए हैं। इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो कुर्तीज़ ली थी दो, ये इसमें नीचे का मैंने सेट नहीं लिया था, सिर्फ कुर्तीज़ ली थी, क्योंकि मुझे कुर्तीज़ अच्छी पसंद आई थी इसलिए। बट मैंने ये रेड कलर का जो मेरी मम्मा पहले मेरे लिए कुर्ता लेकर आई थी, उसमें प्लाजो था रेड कलर सिंपल, तो ये रेड कलर की जयपुरी स्टाइल में आप देख सकते हो, जयपुरी प्रिंट है। और मुझे पता नहीं क्यों जयपुरी प्रिंट, जयपुरी कुर्तीज़ होती है ना, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है और इतना पसंद आता है, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। इसके साथ मैंने ये प्लेन प्लाजो इसमें मिक्स कर लिया, आप वाइट भी कर सकते हो, मैंने रेड कलर की कर रखी है। ये मैंने पहना था शिवरात्रि के दिन, जो अभी शिवरात्रि गया उस दिन मैंने पहना था, मैंने पास भी रखा था, तो मैंने इसके साथ ये मिक्स और मैच कर दिया, आप देख सकते हो। ये ऊपर का कुर्ती है और ये प्लाजो है, इसमें ये बॉर्डर भी है, आपको मैं दिखाती हूँ, ये पूरी कुर्तीज़ ऐसे है फुल स्लिप में,
देख सकते हो ये स्लिप किया, बाजू में थोड़े से ये प्रिंट वो कढ़ाई है, ठीक है, और साइड में भी प्रिंट किया है, ठीक है। और ये आगे से भी है, गले में राउंड शेप है और यहाँ तक प्रिंट है, कढ़ाई है हाथ से बनी हुई, ठीक है। और ये साइज़ है मीडियम, आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने ये अभी उतारा नहीं था, तो ये है। मुझे जयपुर बहुत पसंद है इसलिए मैं ये ले लिया था, आप देख सकते हो जयपुरी प्रिंट है, तो मैंने इसके साथ पहनने के लिए और ये नॉर्मल प्लाजो के रखे। आप वाइट प्लाजो भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये एक लेमन कलर का लिया है जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास ऐसी कुर्ती है नहीं, तो आपके पास जो कलर नहीं होते ना आप प्लीज़ वो ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके लुक में क्या चेंज है, आपको क्या अच्छा लगता है आपकी बॉडी के हिसाब से, जैसे कलर होते हैं ऐसे के समर में थोड़े लाइट कलर और आपके फेस के हिसाब से भी। तो मैंने एक ये लेमन कलर लिया है जो मेरे पास अभी तक था नहीं, सिंपल है ये भी, और अब मुझे लूज लूज पहनना है, ठीक है, तो इसलिए ये साइज है एक्सेल 42, ये ऐसा है, आप देख सकते हो लेंथ इसकी इतनी है, ठीक है, क्लिप्स है। और इसमें आगे से ये जो है ये कढ़ाई है, सितारे भी लगे हुए हैं मिरर टाइप के, और यहाँ पे ये डोरी भी है, पहले से बंधी हुई है, आप बांध भी सकते हो, ठीक है। मुझे मेन इसका कलर और जो इसका ये आगे का है इसकी वजह से पसंद आया, तो मैंने ये ले लिया, और ये दोनों मुझे 1500 के पड़े, दोनों कुर्तीज रेड और ये येलो, ठीक है, दोनों 1500 के पड़े। मैंने फिटिंग नहीं करा रखी क्योंकि अभी मुझे थोड़े दिन में इसको लूज ही पहनना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद मैंने ये अलग से दूसरी दुकान से लिया था, मैंने इसका मुझे एक तो कलर अच्छा लगा प्लाजो का, ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे का आप देख सकते हो ना बॉर्डर में नीचे ये कढ़ाई है ना, तो कुर्ती के साथ किसी भी कुर्ती के साथ ये जाएगा। उसके बाद इलास्टिक है, डोरी भी आप डोरी बांध सकते हो, और मैंने आप देख सकते हो मैंने टैग भी नहीं निकाला, और इसको आप किसी भी कुर्ती के साथ यूज़ कर सकते हो, और ऐसे भी पहन सकते हो, कोई भी टॉप के साथ भी आप पहन सकते हो। और इसमें मेन बैक पॉकेट भी है, दोनों साइड में पॉकेट है। और इसके साथ मैंने एक येलो रंग की फ्लावर में लिया था, वो आपको मैं बाद में दिखा दूँगी क्योंकि अभी वो धो ली थी मैंने, सुखा धो के सुखा रखा है। तो आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे बेबी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी लास्ट तक आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँ, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।